वो जाएगा, एनर्जी दी जाएगी ना सिस्टम को, तभी जाएगा वो। फिर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल कोई? एग्जाम्पल होगा, आप ग्लास की ट्यूब के अंदर लेके इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो तो एक्साइट हो जाएंगे पार्टिकल हाइड्रोजन ओके के, तो सर, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर स्टेट में जाएंगे। आएगा ये सब आगे आएगा कि कैसे होगा। आपका क्वेश्चन ये है कि कैसे होगा, एनर्जी मिलेगी तभी वो लोअर से हायर में जाएगा। क्लियर? ओके ओके सर। सर पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है? नहीं, सर, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मतलब कि जब अपने एक्साइटेड अपने स्टेट में। आप, अपने आप तो नहीं होगा ना, अपने आप कैसे हो जाएगा? एनर्जी या तो सिस्टम की कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, है ओके ना? सर, ठीक है, यस सर। सर प्लीज टर्न योर सर फोन। स्क्रीन टिल्टेड है, स्क्रीन योर टिल्टेड है सर। स्क्रीन इज टिल्टेड। बेटा स्क्रीन शो हो रही है? हेलो सर, सर सर तेरी शो हो रही है, स्क्रीन हो रही है। ये स्क्रीन इज विजिबल? आवाज आ रही क्या इज स्क्रीन विजिबल? सर? प्लीज टर्न योर फोन। हेलो नागेश हाँ हेलो। सर, सर इसको ना रोटेट कीजिए, एक्चुअली उस लैंडस्केप में आ रही है आपकी स्क्रीन ना। लैंडस्केप में आ रही है आपकी स्क्रीन। हर्ष सर क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो, सर अब सही है, सर हाँ अब अब सही सही है। है हाँ सर, नाउ इट्स देख फाइन। तो रहा है ना बेटा, क्लियर है ना? विजन क्लियर दिख रहा है सामने? हाँ, सर, एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट करना था बेटा आपको। एप्लीकेशन ऑफ बोहर्स ऑर्बिट में फर्स्ट हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पर है न्यूक्लियस से, वो करने जा रहे हैं बेटा। तो सपोज हमारे पास क्या है कि कल की तरह हम करते हैं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में सपोज एक प्रोटॉन का चार्ज है ई, और उसके अंदर जेड प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज हो गया जेड ई न्यूक्लियस में। और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई ऑर्बिट बन रहा है बेटा, ऐसे ये सर्कुलर ऑर्बिट है, कोई सा भी ऑर्बिट है, और ये ऑर्बिट बन रहा है। इस ऑर्बिट पर यहां इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस निकालना है, या हम ये बोल सकते हैं कि इस ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेडियस बेटा? वी कैन यूज द बोहर्स ऑर्बिट, बोहर्स पोस्टुलेट टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। सो वी नो दैट हमारी कुछ पोस्टुलेट्स थी, तो दो पोस्टुलेट यूज कर लेते हैं हम, और उन दोनों से वेलोसिटी निकाल के कंपेयर कर लेते हैं। वी नो दैट एम वी आर, एक पोस्टुलेट ये था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो वी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो वी का वैल्यू देखो बेटा आएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। वी इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। आप इसका स्क्वेरिंग कर दो, ऑन स्क्वेरिंग
जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो वी स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर आ गया। इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसको आप, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट था एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था के जेड ई इंटू ई, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपका अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के ई के जेड ई स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से अगेन आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लो वी स्क्वायर का, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर। अब हमारे पास दो इक्वेशन होगी बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक प्रोटोन का चार्ज है ई और जेड प्रोटोन है, तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस में हो गया जेड ई। एंड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑन आर डिस्टेंस वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एंड फॉर्म ऑर्बिट। सपोज ये आर डिस्टेंस पर है, देन जो हमने कल जो पोस्टुलेट की थी वो दो पोस्टुलेट यूज किया। एक पोस्टुलेट हमने लिया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, क्लियर। एंड सेकेंडली फ्रॉम सेकेंड नेक्स्ट पोस्टुलेट एम वी आर एंगुलर मोमेंटम वाला वेलोसिटी, तो उससे भी निकाल सकते हैं हम वेलोसिटी, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल लिया हमने एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, तो वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर। तो यहां भी स्क्वायर कर दिया आपने, बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, दोनों इक्वेशन आ गया हमारे पास। यहां तक नोट कर लो बेटा, यहां तक क्लियर करो, फिर आगे कराता हूं। डेरिवेशन कर रहे हैं हम, क्लियर यहां तक, किसी का कोई डाउट? दोनों पोस्टुलेट से बी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वेरी इजी, इन इजी वे ओनली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर फ्रॉम बोथ पोस्टुलेट्स। Is it clear? Yes, sir. क्या आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Complete होते ही मुझे बता देना, थोड़ा सा hint दे देना, जिससे क्योंकि board से हमें remove करना पड़ेगा, फिर दूसरा लिखना होगा. Sir, हो गया complete. Sir, हो गया. हो गया? Sir, हो गया. हाँ, देन देखो बेटा, इन दोनों इक्वेशन से वी स्क्वायर का वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं हम। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों से कंपेयर करेंगे, ये वी स्क्वायर का वैल्यू के जेड स्क्वायर एम आर और ये वी का वैल्यू एन स्क्वायर एस स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर। तो इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड है बेटा अपने पास के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू, और इक्वेशन फर्स्ट निकाला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहां से हमारा जो एम है, हमारा पर्पस है, वी वांट टू कैलकुलेट द आर। तो देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, आर इधर ले आते हैं, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन बेटा याद रखना है डायरेक्ट आपको। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, हमें वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अकॉर्डिंग टू बोर कभी भी रेडियस निकालना हो, देन व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेडियस? The formula of radius is equal to n square h square upon 4 pi square m k z e square. यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, किसके लिए स्टैंड कर रही हैं, वो क्लियर कर लेना। n का मतलब ऑर्बिट नंबर, ये क्लियर होगा, गिवन होगा हमारे पास ऑर्बिट नंबर। m is equal to mass of electron, mass of electron. z is equal to atomic number, that is the atomic number, मतलब number of proton, number of proton. E charge, electron या proton दोनों का ही same होता है, charge of electron और proton दोनों का ही same होगा। E charge, K या constant है,
और एच भी कॉन्स्टेंट है, के की वैल्यू सीजीएस में वन होती है, और जो आपका एक चीज और दिखाई दे रही है एच, एच को प्लैंक कॉन्स्टेंट बोलते हैं हम, प्लैंक कॉन्स्टेंट। अब ये सारी वैल्यू अगर पुट करेंगे हम, सारा वैल्यू पुट करने पर सिर्फ हमारे पास वेरिएबल दो रह जाएंगे, एक तो ऑर्बिट नंबर नहीं पता होगा हमें कौन सा है, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, और एक प्रोटॉन का नंबर भी गिवन होगा क्वेश्चन में। तो इन सीजीएस में सोल्व करेंगे हम, तो ओवरऑल सोल्व करोगे तो आर का वैल्यू याद आएगा आपका 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। हमारे पास ये दो रिजल्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, थियोरेटिकली अगर एक्सप्रेशन पूछेगा देन आपको ये याद होना चाहिए, यू नीड टू लर्न दिस एक्सप्रेशन आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, और इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे हम तो एंगस्ट्रॉम में जो डिस्टेंस आएगा या ऑर्बिट का जो रेडियस आएगा बेटा वो ये आएगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। क्लियर? हो गया सर? हो गया बेटा, सभी का हो गया, हटा दूं? यस सर। अब देखो इस पर आप प्रॉब्लम बना सकते हो, सपोज इस पर हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, या ये बोल सकते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये करना बेटा हमको, तो सपोज साथ में विजुअलाइज भी करते हैं कि भाई आर निकालेंगे तो हमारे पास तो जनरल फार्मूला है आर 0.529 n square upon z angstrom, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है तो z का वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटोन 1 हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटोन 1, n चेंज करते जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट है तो n इज इक्वल टू 1 निकालेंगे रेडियस, तो r1 आ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, r1 फॉर हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 0.529, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और z की वैल्यू 1 तो एंगस्ट्रॉम, इसका मतलब हाइड्रोजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस पे रहता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। सपोज n इज इक्वल टू 2 सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो r2 इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 आ गई तो 2 का स्क्वायर और z की वैल्यू 1 ही रहेगी तो इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो मैं इसको बेटा ऐसे भी तो लिख सकता हूं 0.529 जो है वो R1H भी तो है, तो R1H जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसकी फॉर्म के अंदर निकाल देंगे, तो मैं कुछ डिस्कशन करूंगा अभी लेकिन पहले क्लियर कर देते हैं इस क्वेश्चन को। N इज इक्वल टू 3 तो R3 इज इक्वल टू 0.529, 3 का स्क्वायर 9 एंगस्ट्रॉम, तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस 0.529 इनटू 4 एंगस्ट्रॉम, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस 0.529 इनटू 9 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बेटा? यस सर। देखो अगर मैं इसमें एनालिसिस करते हैं, इससे कुछ नॉलेज ढूंढते हैं अपने इसी न्यूमेरिकल से, इसका मतलब ये हुआ, पहला पॉइंट तो ये हुआ नोट नंबर 1 कि मुझे किसी की भी अगर रेडियस निकालनी है आर थ्री की जगह आर एन निकालना है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ आर एन, एंथ ऑर्बिट ऑफ रेडियस, 0.529 एंगस्ट्रॉम हाइड्रोजन की फर्स्ट रेडियस होती है तो आर वन एच, बाकी जो भी n स्क्वायर हो और जो भी z हो किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो k
किसी का भी रेडियस निकालना हो तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हो, एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। और दूसरी बात देखो, दूसरा पॉइंट जो आपके काम आने वाला वो ये देखो, सपोज हाइड्रोजन में फोर हाइड्रोजन, सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद आपका फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस आई है देखो आर वन, वो आई है 0.529 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जो आपने सेकंड नोट किया, सेकंड रेडियस जो आया आपका वो देखो आप, वो आया है 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम। तो देखो डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच, डेल्टा आर निकालू मैं, डिफरेंस निकालू तो 0.529 कॉमन और 4 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको आप, 4 इंटू 1 तो कितना डिफरेंस आ गया 529 इंटू 3, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट में इतना डिफरेंस। अब सपोज आपको थर्ड ऑर्बिट निकालना था, थर्ड भी तो निकाला है आपने, थर्ड ऑर्बिट का नोट करो देखो रेडियस 0.5293 का स्क्वायर 9 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से यहां के बीच डिस्टेंस देखो R2 और R3 के बीच 0.529 कॉमन, 9 - 4 तो ये आ गया 0.529 × 5। तो इससे काफी इंपोर्टेंट रिजल्ट निकल के आया आपका, देखो एक जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट इज दिस, फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में जो आपका रेडियस का डिस्टेंस है वो ये आया बेटा 0.529 × 3, बट सेकंड और थर्ड के बीच जो आया है वो 0.529 × 5। तो हम क्या कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं सो इफ वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस, वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर साइड विद इन एन एटम, देन देयर इज इंक्रीज, देयर इज इंक्रीज इन सक्सेसिव डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट। मतलब न्यूक्लियस और पहले ऑर्बिट के बीच डिस्टेंस होगा सिर्फ 0.529, बट दूसरे और सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट के बीच डिस्टेंस जो होगा वो होगा 0.529 × 3। एंड सिमिलर यू कैन ऑब्जर्व इन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड 0.529 × 5। इट मीन्स इफ वी मूव फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर साइड इन एन एटम, if we move from nucleus to outer side within an atom, then successive distance between orbit will be increased. Successive distance, even we can calculate this distance, increase hoga. But agar yehi question keh de ki aap jab bahar se andar ki side aoge, outer side se beta jab nucleus ki side aoge, tab aap bologe decrease ho raha hai, andar ki side decrease hota jayega. Is it clear? एक तो जब भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट अब इससे बना सकते हो आप, एक फार्मूला ये भी यूज कर सकते हो, आर एन रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन और एन ऑर्बिट नंबर। और सेकंड एक इंफॉर्मेशन आप नॉलेज क्लाउड में यूज कर सकते हो कि जब हम न्यूक्लियस से बाहर की साइड किसी भी एटम में जाएंगे तो बीच का जो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस है दैट विल बी इंक्रीज। क्लियर बेटा, समझ आ गई बात? डाउट तो नहीं है किसी को? यस सर। नो सर। चले आगे। यस सर। यस सर, उतार लिया। अब बेटा यही प्रॉब्लम मैं ऐसे दे दूं आपको, अब देखो नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम। सपोज रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एल आई टू पॉजिटिव आयन इज एक्स एंगस्ट्रॉम। सपोज रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ
लिथियम आयन इज एक्स एक्स एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ HE पॉजिटिव आयन. क्या कह रहा है? सी अगेन, सपोज रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज एक्स एंगस्ट्रॉम, देन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम. तो ऐसे केसेस में क्या करोगे बेटा? आपने एक जनरल फार्मूला पढ़ा है, सॉल्यूशन कैसे करोगे? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डबल डेकर, दो इंफॉर्मेशन है, एक से दूसरी इंफॉर्मेशन निकालना है. देन यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन विच आई हैव ऑलरेडी स्टडीड, आर एन किसी का भी हो, आर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, जेड स्केयर और एन स्केयर होता है, जेड स्केयर अपॉन एन, एन स्केयर अपॉन जेड होता है, किसी का भी रेडियस निकालोगे तो आर वन एच एन स्केयर अपॉन जेड. यू नो कि ये आर वन एच तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो आप ये भी तो लिख सकते हो किसी का भी आर वन एच वो कितना हो जाएगा बेटा, देखो जेड आर एन अपॉन एन स्केयर, जेड आर एन अपॉन एन स्केयर, अगर आर की वैल्यू लूंगा तो मैं. तो कोई भी स्पीसीज हो आपके पास, देखो टू स्पीसीज है, एक है एल आई टू स्पीसीज और एक है आपके एच ई पॉजिटिव स्पीसीज. आप क्या करो, एल आई का ये आर वन एच का वैल्यू लिखोगे तो ये आएगा जेड आर एन अपॉन एन स्केयर लिथियम के लिए इज इक्वल टू, यही आर वन एच निकालोगे हीलियम के लिए तो जेड आर एन अपॉन एन स्केयर आप लिख सकते हो बेटा. हीलियम के लिए वैल्यू गिवन है, पुट कर दो. देखो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर यू नो, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3 और लिथियम का आर एन रेडियस ऑफ लिथियम आयन दे रखा है आपको एक्स एंगस्ट्रॉम, ऑर्बिट नंबर आपको बता रखा है सेकेंड, इधर आपका जेड देखो हीलियम है तो एटॉमिक नंबर 2, आर एन आप इसका निकालना चाहते हो और ऑर्बिट नंबर जो है थर्ड है ये, तो आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो या वैल्यू सारी पुट कर दो लिथियम वाली. लिथियम का जेड, जेड कितना आ जाएगा लिथियम का बेटा, लिथियम का 3 आ जाएगा, आर एन दे रखा है एक्स अपॉन एन स्केयर सेकेंड नंबर ऑर्बिट इज इक्वल टू जेड. हीलियम के लिए निकालना चाहते हो आप, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू होता है 2, एटॉमिक नंबर 2, आर एन निकालना है आपको हीलियम वाला और एन की वैल्यू है ऑर्बिट दे रखा है थर्ड 3 का स्केयर, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा. तो आर एन की वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे तो जो आर एन का वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आंसर आ जाएगा सर, 27 बाय 8 आर एन, 27 बाय 8 एक्स सर. हाँ सर, ये दोनों वैल्यूज इक्वल कैसे हो गई? क्योंकि आपने इसको इस एक्सप्रेशन में रख दिया ना, किसी भी ऑर्बिट का एन निकालोगे तो आर वन एच एन स्क्वायर अपॉन जेड होगा और आर वन एच क्या आ जाएगा, R1H आ जाएगा जेड आर एन अपॉन एन स्क्वायर. तो आर एन एच किसी का भी निकाले वो तो सेम आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट और हाइड्रोजन तो फिक्स वैल्यू होती है, वो तो इतनी होती है 0.529, तो इतनी की जरूरत नहीं है हमें, इससे निकालेंगे तब भी 0.529 आएगा किसी में निकालेंगे. तो हम कोई भी जो स्पीसीज है उनकी इस वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, जब हमारे पास दो अलग अलग स्पीसीज हो तो ये वाली वैल्यू कंपेयर की जा सकती है. जेड आर एन अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे का जेड आर एन अपॉन एन स्क्वायर. क्लियर? यस सर. हो गया बेटा. देखो नेक्स्ट फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट जो है रेडियस के बाद हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी. अब वो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन उसका वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंस पोस्टुलेट था एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, इट मींस v की वैल्यू निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई एम आर। अभी r का वैल्यू कैलकुलेट किया था आपने, सिंस r इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर फोर पाई स्केयर एम के जेड स्केयर, बेटा ये वैल्यू पुट कर दो वापस तो v की वैल्यू आ जाएगी आपके पास v इज इक्वल टू ऊपर एन एच डिवाइडेड बाय टू पाई एम, आर का वैल्यू रख दो आप जो निकाला था अभी आपने, एन स्केयर एच स्केयर फोर पाई स्केयर एम के जेड स्केयर। तो इसमें जो कैंसिल आउट होता है वो कर दो, देखो दो एन एच कैंसिल हो गए और टू से टू कैंसिल हो गया, पाई ए कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह क्या गया, वी इज इक्वल टू हमारे पास रह गया टू पाई अपॉन एन एच के जेड ई स्केयर। याद करना है बेटा ये एक्सप्रेशन, वी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, वी का वैल्यू टू पाई नीचे एन एच के जेड ई स्केयर। तो ये सारी वैल्यू जब पुट करोगे, अच्छा इसको याद करने का तरीका भी देखो, मैं आपको तरीका ही बता देता हूं। R इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, एन स्केयर एस स्केयर फोर पाई स्केयर एम के जेड स्केयर। तो एक काम करो, इस पूरे को उल्टा करके इसका अंडर रूट ले लो, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा टू पाई अपॉन एन एच, देखो टू पाई अपॉन एन एच, एम आएगा ही नहीं, बाकी जैसा है वो उल्टा लिख देना आपने के जेड स्केयर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा बेटा, वी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन एन एच के जेड स्केयर, और इसको सोल्व करेंगे सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो वैल्यू आएगी टू पॉइंट 18 into 10 raised to power minus 8 z upon n centimeter per second. या v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप इसमें सारी वैल्यू पुट करके तो वेलोसिटी आएगी 2.18 into 10 raised to power minus 8 z upon n centimeter per second, जैसे आपने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था वैसे ही वेलोसिटी का भी निकाल लिया, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 z अपॉन n। ये भी याद रखना बेटा, ये भी पूछा जाता है, एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है, वैल्यू वाला भी पूछा जाता है, ये तो न्यूमेरिकल में काम आएगा, ये एक्सप्रेशन में काम आता है। कर लिया बेटा? यस सर। तो देखो वेलोसिटी जब भी निकालोगे yes, फॉर्मूले से निकालोगे आप, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, देखो इस फॉर्मूले से चेक करो आप, फॉर्मूले में आ रहा है v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर 8 z अपॉन n, इसका मतलब z इंक्रीज होगा, z इंक्रीज होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे, तो Z इंक्रीज होगा तो V सामने पड़ रहा है तो V भी इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब दो अलग अलग एटम है सेम ऑर्बिट है बट इसके लिए N सेम होना चाहिए, अगर सेम N है तो जितना Z ज्यादा होगा प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ज्यादा होगा, और अगर Z सेम है तो N पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, N इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, इफ जेड सेम, जेड सेम मतलब सेम एटम है तो सेम एटम, जेड सेम का मतलब सेम एटम में जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, न्यूक्लियस के पास आओगे तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर सेम एटम में सपोज ये सेम एटम जेड ही कुछ रखा हुआ है, अब इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जितना इधर दूर होता जाएगा, देखो तो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो एन इंक्रीज होता जाएगा, एन इंक्रीज होता जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन अगर इसकी बजाय इधर आते जाओगे न्यूक्लियस के पास, तो न्यूक्लियस के पास आओगे तो एन डिक्रीज होता जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा।
तो कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में न्यूक्लियस से जितना दूर होता है उतनी वेलोसिटी कम होती है, जितना पास आएगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी उसकी। क्लियर? यस सर। हो गया बेटा, हटा दूं? यस सर। यस सर। अब इस पे भी एक दो सैंपल प्रॉब्लम बना लेते हैं, जैसे उसमें बनाई थी आपने रेडियस पर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच ई पॉजिटिव आयन। कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। बनाओ बेटा, देखो अपने आप ट्राई करो। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। जनरली जो फार्मूला है वही तो यूज करोगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई विद 2/3। सर पावर प्लस एट होनी चाहिए। एक मिनट, एक चीज हमने अभी की ना, 2.8 जो है ना वो प्लस प्लस माइनस मत करो, प्लस रखो उसमें। मैंने माइनस लिखा था ना, प्लस करना है। V इज इक्वल टू 8 जेड अपॉन एन। बैक में भी सही कर लो बेटा, ये पावर जो होगी वो प्लस में आएगी। जैसे वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, 3 × 10⁸ प्लस में होती है। वेलोसिटी माइनस में नहीं हो सकती ना पावर, वो प्लस कर देना। पीछे भी सही कर लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 × 10⁸ जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देखो, आप जेड ले रहे हो तो आपके पास देखो हीलियम है, हीलियम है तो जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर 2 हो गया, ऑर्बिट नंबर कह रहा है थर्ड। तो आंसर निकाल लोगे V इज इक्वल टू 2.18 × 10⁸ जेड का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर होता तो मीटर में कन्वर्ट कर दे। इट शुड बी कीप इन माइंड दिस पावर नॉट इन नेगेटिव, पॉजिटिव। मेक द करेक्शन इन लास्ट केस, वो हमने शायद माइनस लिख दिया है, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। हो गया बेटा? यस सर। यस सर। अब देखो इसमें भी अगर डबल इंफॉर्मेशन है फिर कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये वाली वैल्यू जो है वापिस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन की है, फर्स्ट ऑर्बिट की। तो आप डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन को भी ऐसे नॉट में लिख सकते हो। आपको किसी का भी कंपेयर करना हो तो किसी की भी वेलोसिटी वी वन जेड अपॉन एन। हाइड्रोजन का, इसका मतलब V1 हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा V into N upon Z। तो ये चीज किसी की भी कंपेयर कर सकते हो, ये वाली चीज कांस्टेंट रहेगी। ऐसे सपोज velocity of electron in third orbit of hydrogen is x centimeter per second, calculate the velocity of electron in थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम या हीलियम आयन। ये प्रॉब्लम हो गया बेटा, ये प्रॉब्लम आ गया। सपोज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ
हाइड्रोजन इन एक्स सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच ई पॉजिटिव आयन। कैसे करेंगे बेटा? देखो, एक आपके पास हाइड्रोजन है और एक आपके पास हीलियम है, तो अब की बार ये वाली चीज यूज कर लो, V into N upon Z, hydrogen is equal to V into N upon Z, helium. तो आपका शॉर्ट वे में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या आंसर निकाले? देखो हाइड्रोजन का वेलोसिटी दे रखा है x, ऑर्बिट नंबर देखो है थर्ड, तो x into थर्ड, z की वैल्यू 1, इधर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो n, कौन सा नंबर है थर्ड, और z हीलियम का आता है 2, तो डबल हो जाएगी वेलोसिटी। मतलब हाइड्रोजन के जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और अगर हीलियम के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो जो हीलियम वाला है उसकी वेलोसिटी इससे डबल आ जाएगी, v इज इक्वल टू 2x, वेलोसिटी डबल हो जाएगा। क्लियर बेटा? यस सर। यस हो गया सभी का? यस सर। कई बार बेटा ये प्रॉब्लम ऐसे आता है, देखो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, होती सिंपल सी थिंग है, घुमा के पूछ लेता है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट सी, ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है बेटा कई बार, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसा पहले किया आपने, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, बट आगे क्या कह दिया, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। यू नो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? तो पहले तो वैसे ही निकालेंगे जो निकालना है आपको, जैसे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहले निकाल लो आप। तो वेलोसिटी देखो इतना निकालोगे तो v कितना आ जाएगा आपके पास, v इज इक्वल टू 2.18 z का वैल्यू और n ऑर्बिट नंबर है सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, ये कैलकुलेट कर लिया एप्रोक्स कर लो आप, तो कितना आ गया 1.09, तो कैलकुलेट कर लो जितना भी आप। अब आपको इन टर्म ऑफ वेलोसिटी निकालना है, 10⁸ में तो सर 10⁸ 10⁸ भी आएगा, सेंटीमीटर में ले रहे ना, 10⁸ भी आएगा। अब आपको इसको किसकी टर्म में करना है, लाइट की वेलोसिटी, तो यू नो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू होता है कितना लिखते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ही होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब yes, कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अब इसको क्या यूनिटरी मेथड से लिख देते हैं, अगर इतनी वेलोसिटी होती तो उसकी वैल्यू सी होती, इतना है तो सी की टर्म में कितना आएगा, तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं, सिंस 3×10⁻¹० सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू सी, 1 होता तो कितना हो जाता, सी अपॉन 3×10⁻¹० पर आपके पास कितना है, ये वाला आया हुआ है 1.09×3×10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, तो कितना निकालोगे, कैलकुलेट कर लो, सी 3×10⁻¹० कैलकुलेट कर लो, ये 1.09 इंटू 3 इंटू
10 raised to power 8, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये 10 8 है, ये आपका कितना रह गया 100, तो कितना आ गया 1.09c डिवाइडेड बाय 100, कितना आ जाएगा c की टर्म में। दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, कई बार ऐसे कुछ बुकलेट में ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, c की टर्म में पूछा है। तो वेलोसिटी अप्लाइड जो आपने पहले, तो वेलोसिटी जो निकाल ली, जो निकाल ली ये सेंटीमीटर पर सेकंड, अब आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो सेंटीमीटर में c की वैल्यू ये आ गई, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड होता तो c होता, आपको जितने निकाला है उतना निकालना है, तो कितना होगा यूनिटरी मेथड c बाई a इंटू ये कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर बेटा हो गया? यस सर। यस सर। देखो बेटा इसके बाद आता है, आपने रेडियस का कैलकुलेशन सीख लिया, वेलोसिटी सीख ली, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आता है एनर्जी कैलकुलेट करना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है बेटा आपका कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालना। तो एनर्जी जो आपके पास होता है टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो दो टाइप की एनर्जी से मिलकर बनेगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी को ईएन लिख देते हैं, ईएन किसके लिए कह रहा हूं, ये टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, PE का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और KE मतलब काइनेटिक है। अब देखो पहले सिर्फ काइनेटिक इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपके पास। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी भी चीज का काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा हाफ एम पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, अभी आपने पोस्टुलेट किया था एम वी स्क्वायर अपॉन आर के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये पुट कर देते हैं यहां पर, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। याद रखना काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जरूरी है याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि लंबा डेरिवेशन है तो मैं ऐसे आप हटाता जाऊंगा, करते जाओ तो मैं हटाता जाता हूं। टोटल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, उसमें से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो कैलकुलेट होके आएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है आपसे? सर वो जो आपने इधर हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। सर जो आपने इधर एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिखा है सर, ये मतलब कहाँ से आया ये वाली चीज? ये हमारी पोस्टुलेट है ना, पर जो बोहर के लिए तो कर रहे हैं, बोहर की पोस्टुलेट थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स। ओके 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 सर, समझ में आ गया। यस सर, ओके, फ्रॉम बोहर पोस्टुलेट्स। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल के रख दी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बोलोगे आप, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर बेटा यहां तक? सपोज काइनेटिक एनर्जी आ गई, यस सर, बोल दो आप काइनेटिक एनर्जी पॉइंट टू। अब देखो आपके पास काइनेटिक एनर्जी के बाद बेटा टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स
अट्रैक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अट्रैक्शन फोर्स इनटू डिस्टेंस, जैसे फिजिक्स में निकालते हो आप, एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब पोटेंशियल एनर्जी जब अट्रैक्शन होता है तो माइनस में दिखाते हैं हम, याद रखना जरूरी है, अट्रैक्शन को माइनस में, रिपल्सन को प्लस में। अट्रैक्शन का मतलब है किसी की एनर्जी कम हो रही है, पास में आ रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी होता है, स्टेबिलिटी का मतलब एनर्जी कम होना होता है। तो जब भी अट्रैक्शन दिखाओगे तो माइनस में दिखाओगे, और अट्रैक्शन फोर्स कितना था अभी हमने निकाला था, अट्रैक्शन फोर्स के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अट्रैक्शन फोर्स किया था पोस्टुलेट में, बोहर पोस्टुलेट्स में, अट्रैक्शन फोर्स के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इनटू डिस्टेंस। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन, आर से आर कैंसिल बेटा, तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपके पास, आप इसको बोल सकते हो वन माइनस वन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंडिस्पेंसेबल पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक एनर्जी कैलकुलेशन। तो सेकंड आपने निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आई देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस वन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी माइनस वन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर बेटा पोटेंशियल एनर्जी, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। सही है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ रहेगा, मतलब न्यूक्लियस के पास रहेगा, जब तक एटम को छोड़ के नहीं जाएगा तब तक नेगेटिव रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लेंगे हम, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में। तो दोनों में फर्क देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी कितना आया था हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना आया माइनस वन के जेड स्क्वायर अपॉन आर। माइनस किस चीज को शो कर रहा है, अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्शन शो करता है, उसके लिए आया ये। थैंक यू सर, आगे चले बेटा। यस सर, देखो हमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी किस किस से बनेगा, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कितना किया आपने हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल एनर्जी कितना किया माइनस वन के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो सिंपल सी कैलकुलेशन लगा दो, टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी। नाउ ये हटा रहा हूं देखो, नाउ माइनस हाफ के जेड स्क्वायर डिवाइड बाय आर। देखो वेरी सिंपल, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी माइनस वन के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो माइनस वन में से हाफ जाएगा तो माइनस का हाफ रह जाएगा, तो टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की कितनी आएगी माइनस हाफ, माइनस वन में से हाफ चला गया माइनस हाफ रह गया के जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी बेटा माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर आएगी, माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। किसी भी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी माइनस हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब तीनों को कंपैरिजन करो, एक ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी भी हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। मतलब जितना मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी का होगा, बट काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए वो पॉजिटिव में है, टोटल एनर्जी माइनस में। और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का डबल है, देखो ये भी हाफ के जेड स्क्वायर आर है, ये भी हाफ के जेड स्क्वायर आर है, तो टोटल एनर्जी कितना, पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस वन के जेड स्क्वायर आर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी डबल इसका काइनेटिक एनर्जी का, वो होगी डबल इसका टोटल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव। ये करेक्ट रिलेशन आ गया इनके बीच में। यहां तक क्लियर बेटा सभी का, कोई डाउट? आई एम रिपीटिंग अगेन। यस सर,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी भी हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर बट इन नेगेटिव, एंड पोटेंशियल एनर्जी वन के जेड स्क्वायर अपॉन आर बट इन नेगेटिव। अब इससे क्या है कि अब एक्सप्रेशन निकाल सकते हो टोटल एनर्जी का। कैन आई रिमूव इट, हटा दूं मैं इसको? यस सर। यस सर। देखो तो अब आपके पास एनर्जी का कैलकुलेशन आ गया टोटल। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपको किसी इलेक्ट्रॉन की भी, तो आपने पढ़ा ये आएगी माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और यू नो अभी इसीलिए मैंने बोला था इट इज मस्ट फॉर टू यू लर्न एक्सप्रेशन ऑफ आर। आर का एक्सप्रेशन याद होगा तो रखोगे आप एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर निकाला था, तो ये वाली वैल्यू यहां पुट करोगे आप तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू रख दो एन स्क्वायर एच स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट करेंगे, जो नहीं होता है वो रहने देंगे। तो टू ये टू रह गया एक, तो क्या एनर्जी आ गई माइनस में माइनस टू पाई स्क्वायर एम ए का स्क्वायर जेड का स्क्वायर ई फोर एन का स्क्वायर स्क्वायर। यही एक्सप्रेशन याद करना है बेटा, डायरेक्ट भी पूछ सकता है वो। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा माइनस टू पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन स्क्वायर स्क्वायर। सारे एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। आर की वैल्यू निकाल दी वो यहां रख दी। यहां तक क्लियर? यस सर। आगे चलो, अब मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं सबकी इनकी, तो सबकी वैल्यू रखूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगा एनर्जी का, और वो वैल्यू इतना आएगा बेटा E इज इक्वल टू माइनस, देखो आपने अभी वेलोसिटी में 2.18 किया था, इसको 21.8 कर दो इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये सीजीएस में आएगा अर्ग पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अर्ग, ये सीजीएस यूनिट है। अगर एसआई यूनिट करूंगा तो जूल में लिखूंगा तो यही वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू माइनस 21.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब हो गया जूल पर इलेक्ट्रॉन एसआई यूनिट, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए थोड़ा और छोटा यूनिट कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन। एनर्जी के बहुत सारी टर्म होती हैं, एक आप ये भी यूज कर सकते हो, 3 और आगे लगा दो 313.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आ जाएगा किलो कैलोरी पर मोल इलेक्ट्रॉन। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा क्योंकि ये बड़े यूनिट हैं, तो आपको यूनिट याद करने हैं, ज्यादा फोकस इन दोनों पे रखना है आपने। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे मैक्सिमम हम ये यूज करेंगे, कंपटीशन में ये यूज होता है, लेकिन एनसीईआरटी में इस पर भी क्वेश्चन है काफी, जूल वाले पे ऐसा यूनिट पे। तो किसी का भी कैलकुलेशन करके एनर्जी निकालोगे तो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, बस लास्ट वाला एक मोल इलेक्ट्रॉन का है 313.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यू आर सपोज टू कीप इन माइंड दिस फार्मूला माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर एंड दिस, दे आर रेयरली यूज बट दे आर फ्रीक्वेंटली यूज, बोथ दिस फार्मूला एसआई यूनिट वाला और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। सभी ने यस सर। इसका मतलब बेटा ये सारे एनर्जी के यूनिट है,
कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो देखो इन सबको मैं रिलेट करवा देता हूँ। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि भाई क्या कन्वर्जन है, कन्वर्जन फैक्टर क्या है, यहाँ हमारे न्यूमेरिकल में काम भी आएगा। नॉट देखो, वन कैलरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल, वन कैलरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, इसका मतलब वन कैलरी यूनिट वन जूल से बड़ा है, क्योंकि एक कैलरी में 4.18 जूल होते हैं, तो एक कैलरी और एक जूल में बड़ा कौन हुआ, वन कैलरी, कैलरी वन जूल से ज्यादा बड़ा यूनिट हो गया एनर्जी का। फिर देखो 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule is equal to 1 electron volt है। 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule is equal to 1 electron, ये देखो माइनस में, प्लस में होता तो ये बड़ा था, माइनस में है तो ये बड़ा है, मतलब ये यहां से इधर जाएगा ऊपर चला जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब अब एक चीज और क्लियर होगी कि 1 joule और 1 electron volt हो, तो 1 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा हुआ, 1 जूल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बड़ा हुआ, तो कैलोरी जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अर्थ देखो अर्थ सर बड़ा होगा छोटा होगा, 7 अर्थ इज इक्वल टू 1 जूल होता है, 10 रेज टू पावर 7 अर्थ इज इक्वल टू 1 जूल, तो इसका मतलब 1 जूल इससे भी बड़ा हुआ 1 अर्थ से। तो इनमें सर हाँ सर, ये जो सेकंड वाला है हाँ सर, इसमें जो जूल है वो छोटा होना चाहिए ना? नहीं बेटा, जूल छोटा कैसे होगा, देखो ये माइनस में, मान लो मैं लिखता हूँ 3 × 8 × 24, ये लिख दिया, तो सपोज मैं इसको और इस डिजिट को देखना चाहता हूँ, इन दोनों में बड़ा कौन होगा, अगर इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी तो ये बड़ा है, अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करता अब किसी को मैं ऐसे लिख देता 3 × −1 है ना, और यहां पर लिख देता मैं, बहुत बड़ा वैल्यू लिखना पड़ेगा मुझे, 24 × 3 × 24। अब देखो इस वैल्यू और इस वैल्यू में कौन सा बड़ा, जो माइनस में वैल्यू के साथ होता है वो चीज बड़ी हुई, जो प्लस वाले के प्लस वैल्यू में होता है वो छोटा होता है। देखो यहां देखो 4.18 पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के साथ वाला मल्टीप्लाई जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन माइनस वाली वैल्यू के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो बड़ा होता है, इसलिए यहाँ जूल बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, यहाँ जूल छोटा होगा कैलोरी से। क्लियर? यस सर। अब आपसे ये एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा कि आपको एनर्जी 1 अर्ग दे दी, 1 जूल दे दी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, 1 कैलोरी, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी, 1 कैलोरी की, 1 कैलोरी सबसे बड़ा होगा, उसके बाद किसकी वैल्यू आएगी, 1 जूल की, फिर किसकी वैल्यू आएगी, 1 अर्ग की, और सबसे छोटा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपके पास ये सारे डेटा है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इससे आप बता सकते हो कि भाई करेक्ट रिलेशन क्या है इनका। हो गया बेटा? यस सर। देन देखो फिर प्रॉब्लम, अगर हमें प्रॉब्लम बनानी है तो कैसे बनाएंगे, सपोज ये प्रॉब्लम आ गया, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, कैलकुलेट ऐसे कर देते, कैलकुलेट द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। कौन कौन सी एनर्जी, उसने बोल दिया आपका टोटल एनर्जी, सेकेंड कह दिया पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड कह दिया काइनेटिक एनर्जी। आपको बेटा ये कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले टोटल एनर्जी का फार्मूला लर्न है आपको, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हम, तो टोटल एनर्जी देखो कैसे आएगी, ई एन
इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर इलेक्ट्रॉन। तो माइनस 13.6 जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 और फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये भी 1, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी आ गई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टोटल एनर्जी इतनी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डबल होती है, टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी जो होती है डबल होती है आपकी टोटल एनर्जी का और माइनस में होती है, तो वो तो माइनस में है ही आपके पास, तो माइनस 2 × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मुझे इसी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है उसके बराबर ही होती है लेकिन पॉजिटिव में होती है, आंसर पॉजिटिव में देना है उसका। तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का साइन अपोजिट होता है तो साइन अपोजिट कर देता हूं, तो ई एक बार साइन अपोजिट वाला और एक बार ये वाला रख दो 13.6, कितना एनर्जी आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो आपका डेटा सपोर्ट भी करना चाहिए आपकी नॉलेज को, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आ गई माइनस 13.6 तो काइनेटिक एनर्जी भी 13.6 आएगी, लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगी नेगेटिव में, माइनस 2 × 13.6। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है एनर्जी कैलकुलेशन में? यस सर। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मोल्ड कर देता हूं बेटा मैं, हाँ एक ये काफी आपके आगे काम आएगा तो ये वैल्यू कर लेते हैं, चलो ये बाद में लास्ट में प्रॉब्लम। पहले ये देखो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी, सिर्फ लिखा हुआ है तो आपने टोटल एनर्जी निकालनी। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन इन SI यूनिट में निकालना है आपको। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन इन SI यूनिट। सर टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। हाँ बेटा, तो SI यूनिट का फार्मूला यूज करना है बस। टोटल एनर्जी माइनस कितना लिखा था हमने, 21.8 × 10⁻¹⁹ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर इलेक्ट्रॉन, SI यूनिट जूल वाला है, तो एनर्जी ये कितना आ गया EN माइनस 21.8 × 10⁻¹⁹ जेड का वैल्यू लिथियम है तो 3 का स्क्वायर और एन सेकेंड ऑर्बिट है 2 का स्क्वायर, कितना जूल आ जाएगा बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को बेटा? नो सर। देखो आप डबल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करोगे, तो इसमें पहले की तरह कॉन्सेप्ट यूज कर लो, किसी की भी एनर्जी आएगी तो इतनी ही होगी ना, या सपोज मैं कह रहा हूं ये वाला पॉइंट, किसी का भी एनर्जी आएगा तो एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, किसी की भी एनर्जी, और ये वाली एनर्जी जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो EN इज इक्वल टू फर्स्ट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जैसे अभी रेडियस ने वेलोसिटी में किया, तो ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, तो E1H इज इक्वल टू क्या यूज कर सकते हो EN, इससे आपके शॉर्टकट प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होंगे जेड स्क्वायर, तो ये चीज हमेशा कांस्टेंट रहनी है, तो दो को अगर आप कंपेयर करो तो आप ये फार्मूला याद कर लो EN
एन स्क्वायर जेड स्क्वायर एक स्पीसीज का ई एन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर दूसरी स्पीसीज का। जब भी आपको दो स्पीसीज का डेटा दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करना ई एन इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पहले वाली स्पीसीज फिर ई एन इंटू एन स्क्वायर जेड स्क्वायर दूसरी वाली स्पीसीज क्योंकि ये इक्वल टू होगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन वो सबके लिए सेम होता है तो आप डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो। जो बड़ी प्रॉब्लम आएंगी उनमें ऐसे यूज किया करना ये सब हटा देना ये याद कर लेना तो डायरेक्ट यहां से उठाना क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा मिस्टेक भी नहीं होगा कंफ्यूजन भी नहीं होगा। कैसे लेट मी शेयर वन एग्जांपल सपोज मैं आपको ये बोल दूं एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव आयन इज x इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ HE पॉजिटिव आयन। ये करना है बेटा आपको ट्राई करोगे लेट ट्राई। दो इंफॉर्मेशन है इट शुड बी कीप इन माइंड दो इंफॉर्मेशन है एक लिथियम है एक HE पॉजिटिव आयन है। एक Li पॉजिटिव आयन एक HE पॉजिटिव आयन तो कैसे करोगे बेटा एक आपके पास सर 16/81 मल्टीप्लाई बाय x है ना इजी हो गया उससे क्या लिखोगे आप जो भी इसका en इनटू n स्क्वायर है अपॉन z स्क्वायर फर्स्ट वाले का दूसरे वाले का ई एन इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड सेकेंड वाले का या ए का ये बी का। अब देखो लिथियम की इंफॉर्मेशन लिथियम में ई एन एनर्जी दे रखी है एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन का वैल्यू दे रखा है सेकेंड ऑर्बिट और लिथियम के लिए वैल्यू कितनी आएगी 3 तो ई एन एक्स एन की वैल्यू दे रखी है उसने सेकेंड ऑर्बिट का स्क्वायर जेड की वैल्यू दे रखी है लिथियम है तो 3 इधर ई एन कैलकुलेट करना चाहते हो इसके लिए एन जो है थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालना है आपको 3 का स्क्वायर और जेड हीलियम के लिए है तो 2 का स्क्वायर तो आप ई एन कैलकुलेट कर सकते हो तो ई एन कितना आ जाएगा आपका ई एन 2 का स्क्वायर 4 और 4 जो 16 एक्स और 9981 कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा कर लोगे बेटा। तो मैंने देखो आज आपको तीन चीजें सिखाई है। यस सर टुडे वी लर्न्ड अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वन थिंग इसका डीपीपी भी दूंगा आप जब भी क्लास आएगी आई थिंक टुमारो जो है आपका टेस्ट है ना तो आपका वो टेस्ट yes, करना जो पिछले टॉपिक से दिया था फिर हम जब नेक्स्ट क्लास आएगी तो आप टेस्ट लेके आना फिर हम डिस्कस करेंगे टेस्ट और फिर इसकी डीपीपी भी मैं दूंगा तो आगे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन देन लेट्स सी फॉर नेक्स्ट टॉपिक है ना फॉर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर गुड इवनिंग। थैंक यू बेटा। सर हाँ बोलो। सर जो एनर्जी की यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ ओके सर इलेक्ट्रॉन ये जो जितनी निकाली है इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पर इलेक्ट्रॉन है और जूल वाली भी पर इलेक्ट्रॉन है और अर्ग वाली भी पर इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वाली जो निकाली थी ना 313 वाली वो आपकी पर मोल इलेक्ट्रॉन पर मोल के लिए क्लियर। यस सर ओके बेटा थैंक यू।